हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपका फार्मास्यूटिक्स है, जो कि आपकी मेनली ब्रह्मांकर बुक है, तो उसमें आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं और किन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जामिनेशन में आने की। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका मेजर पोर्शन फार्माकोलॉजी का रहने वाला है, फिर आपका आता है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब वो इसलिए भी है क्योंकि जो आपके पेपर सेटर होते हैं वो आपके फैकल्टी मेंबर्स या जो टीचर्स केवल एकेडमिक्स के होते हैं वो नहीं होते। इनके पास नॉलेज दोनों होता है, एकेडमिक्स का भी नॉलेज होता है, साथ ही साथ इनका जो मेजर जो नॉलेज होता है वो होता है इंडस्ट्रियल नॉलेज। तो ये लोग जब पेपर सेट करते हैं तो ये लोग क्या है कि वहाँ पे एम फार्मा किए होते हैं, पीएचडी किए होते हैं और बहुत सी लैब्स जो आपकी इंपॉर्टेंट लैब्स है वहाँ पे ये लोग काम भी किए होते हैं। तो इनका जो सेट करने का सिनेरियो होता है, जो इनके माइंड में चलता है कि वो एक एस्पिरेंट से क्या चीज़ चाहते हैं, तो उस चीज़ के रिलेटिव में मैं यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ। पहली चीज़ ये कि वो लोग जब ये सारे प्लेटफॉर्म क्लियर कर जाते हैं तो अब वो फार्मास्यूटिक्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो ये कि जब आप एम फार्मा के लिए स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो एम फार्मा में आप जब जाओगे तो वहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेरे जो कंसेप्ट है वो आपको पता है कि नहीं है, तो उसका ही एक सरफेस में वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो आपसे एक बेसिक चीज़ यहाँ पे नहीं पूछने वाले। अब जब आप एम फार्मा करने जाते हो, मान लीजिए अब आप यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स की बात हो रही है और आपने एम फार्मा में जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है आपका, आपने फार्मास्यूटिक्स चूज़ किया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सेकेंड ईयर होता है, ठीक है, या आप कह लो थर्ड सेम होता है, तो वहाँ से शुरू हो जाता है। आपको कोई एक ड्रग दे दी जाती है जिसमें आपको थीसिस कंप्लीट करनी होती है। तो अब जब आपको एक ड्रग दे दी गई तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि उस ड्रग की आप कैसे बायोलिबिलिटी बढ़ाओगे, कैसी उसकी परमिबिलिटी बढ़ाओगे, मीन्स जो ड्रग है उसको आप कैसे इन्हांस करोगे कि जब वो पेशेंट को दी जाए तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट शो कर सके। तो यही सब प्रोजेक्ट होते हैं जो आपको एम फार्मा में करने होते हैं और जो कि आपकी थीसिस कंप्लीट होती है। यही आगे चल के इसी चीज़ को आप कैरी करना चाहते हो तो आपकी इसी के थ्रू पीएचडी कंप्लीट होती है। मैं ये इस चीज़ इसलिए मतलब कि बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि दोस्तों जब आप ये बुक पढ़ें ब्रह्मांकर तो आपको ये समझना होगा कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाला है, क्योंकि उसके पास बहुत सा ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसको नहीं दिए गए हैं पूछने के लिए। उसके पास 125 टोटल क्वेश्चन है जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपके फार्मास्यूटिक्स के रहेंगे और आपकी बुक बहुत ज़्यादा है, सिलेबस फार्मास्यूटिक्स का बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किन सब्जेक्ट की किन टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है एग्जामिनेशन में आने के लिए। तो दोस्तों जो पहला आपका टॉपिक है वो है गैस्ट्रो, एक मिनट मैं आपको टिक करते हुए भी चलता हूँ इसमें, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही थी। उनका कहना था कि फार्माकोलॉजी तो पढ़ ले रहे हैं लेकिन फार्मास्यूटिक्स में उन्हें पता नहीं चल रहा कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है। तो पहली चीज़ ये है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स जो है वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। पूरा का मतलब ये होता है दोस्तों कि वहाँ पे टेबल्स दिए गए हैं, फ्लो चार्ट दिए गए हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं। ये नहीं कि आप सारी थ्योरी पढ़ रहे हो, वो आपको पहले से पता है, वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी, ठीक है। उसमें आपका सेल मेम्ब्रेन आता है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, फिर आपका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांससेलुलर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, पैरासेलुलर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर और कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट, फिर आपका आता है पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। ये सारे टॉपिक आपको ब्रह्मांकर बुक में मिल जाएंगे और ये एक तरफ से मैंने टॉपिक देखते हुए यहाँ पे सारे डाले हैं, तो आपको ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। और अगर इन सब चीज़ों में अगर आपको कोई दिक्कत भी है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें एक टॉपिक है बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ड्रग्स, वो आपको पता होगा एक टेबल होती है जिसमें क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर ड्रग्स होती हैं, वो आपको रटनी है क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं कि ये ड्रग है ये किस क्लास पे आती है आपका, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है डिफ्यूजन लेयर मॉडल या जिसे हम लोग कहते हैं फिल्म थ्योरी,
नर्नेस्ट एंड ब्रनर इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ये जो इक्वेशन होते हैं दोस्तों, इसमें आपको डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जाना है, सिंपली वहाँ पे ना ही आपको वहाँ पे ये सॉल्व करने हैं। इनका जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि फॉर्मूला से ही वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका आता है डैंकवर्थ मॉडल, इसका भी आपको फॉर्मूला वगैरह मेकअप करना है। फिर इंटरफेशियल बैरियर मॉडल, वो आपको पढ़ना है। फिर ड्रग PKA एंड लाइपोफिलिसिटी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल pH पार्टीशन हाइपोथेसिस, ड्रग पार्टीशन क्वेश्चन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल pH, फिर लाइपोफिलिसिटी एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये वही फैक्टर हैं जब आप एक ड्रग को इन्हांस करते हैं बायोअवेलेबिलिटी, जब किसी ड्रग का परमिशन आप इन्हांस करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे आते हैं। ये आपको एम फार्मा में आगे चल के पता चलेगा जब आप एडमिशन ले लोगे और आप किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर वहाँ पे शोध करोगे। फिर ड्रग परमिबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन, ड्रग स्टेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग फ्रॉम वेरियस डोसेज फॉर्म्स, जो कि आपके पेज नंबर 60 में दिया है। अब आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो मेरे पास बुक है वो थोड़ा सा पुरानी है, तो हो सकता है अभी जो लेटेस्ट बुक आई है उसमें हो सकता है पेज नंबर 61 पे हो, या आपका 64 में हो, 65 में हो, तो आप देख लीजिएगा। एक्चुअली यहाँ पे एक टेबल है, या आपका एक फ्लो चार्ट है जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग फ्रॉम वेरियस डोसेज फॉर्म्स दे रखा है, तो उसको आपको पढ़ना है। जहाँ पे मैं कहूँ टेबल है तो वहाँ पे आपको टेबल मिलेगा, जहाँ पे पेज मैंने मेंशन किया है तो आगे पीछे थोड़ा पेज हो सकता है। फिर आपको पढ़ना है ट्रांसमिट टाइप फॉर कंटेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंटेस्टाइन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, परमिएशन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये सारे बैरियर आपको पढ़ने हैं। इसमें बहुत बार क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, और सिंपली इसमें जो अगर बीच में ड्रग वगैरह दिए कि कौन सी स्पेसिफिक ड्रग ये बैरियर आपका क्रॉस करती है, तो उसको जरूर आप लर्न कर लीजिएगा, वो फोर ऑप्शन में आपको वहाँ पे दिख जाएगा। फिर आता है आपका ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूशन रेट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जो फॉर्मुलेज वगैरह हैं वो आप देख लीजिएगा, उसमें जो आपके फैक्टर्स हैं अलग अलग वो वहाँ पे पूछे जाते हैं कि किसको इंक्रीज करने से इफेक्ट पड़ेगा बायोअवेलेबिलिटी में, किसको डिक्रीज करने से परमिएशन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इस तरह करके आपसे वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला रटा हुआ है, ध्यान पे है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सी चीज़ है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन सी चीज़ है, तो आप उसको वहाँ पे आराम से कर सकते हो। फिर टेबल है, एक 3.5 दे रखा है टेबल, जिसमें मार्कर्स यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ रियल फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट्स, तो इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप देख लीजिएगा। बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू ब्लड कंपोनेंट्स, जिसमें आपका प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग होता है, ये एक्चुअली आपके जो परमिएशन रेट है, जो लाइपोफिलिसिटी है, जो बायोअवेलेबिलिटी है, उसको इफेक्ट करती है। जितना ज़्यादा ड्रग आपका बाइंड हो जाएगी, ठीक है, उससे बहुत से फैक्टर्स वहाँ इफेक्ट करते हैं, जैसे उसके रिलीज में इफेक्ट होता है, वहाँ पे वो कम रिलीज होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंडिंग है तो कम रिलीज होगी, ठीक है। तो इस तरह, तो इसका भी एक अहम मीन्स एक इम्पॉर्टेंस है आपके रिलीज में। फिर प्लॉट्स यूज फॉर द स्टडी ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, डायरेक्ट प्लॉट है, स्केचर्ड प्लॉट है, क्लॉज प्लॉट है, एंड हिचकॉक प्लॉट है। तो दोस्तों इसका एक वहाँ पे फिगर बना हुआ है, उसको आप ध्यान देना है कि उसमें कौन सी लाइन स्केचर्ड प्लॉट को दिखाती है, क्लॉज प्लॉट को दिखाती है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पहले आ चुका है और इसकी आने की संभावना फिर से बहुत ज़्यादा है। फिर मेटाबोलाइट्स एंड रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ टेबल, तो मेटाबोलाइट्स एंड रिलेटिव एक्टिविटी, ये आपका टेबल दिया हुआ है। फिर एक और टेबल है जिसमें फार्मास्यूटिक्स ड्रग डिस्पोजिशन क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है, तो यहाँ पे और कुछ ड्रग्स आपको मिलेगी इस टेबल में। फिर रीनल क्लियरेंस, तो क्लियरेंस दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियरेंस का जो कंसेप्ट है वो वहाँ क्लियर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से ब्रह्मांकर में दे रखा है, मेरे ख्याल से 8-10 पेजेस हैं, आप उनको जब पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ जहाँ पे भी रीनल क्लियरेंस या क्लियरेंस मेंशन किया हुआ है किसी फॉर्मूला में, तो वो फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि उससे भी डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। फिर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन,
और टाइम प्रोफाइल, तो इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा कि किससे क्या इफेक्ट करता है। फिर यूरिनरी एक्सक्रीशन डेट, यूरिनरी एक्सक्रीशन डाटा होगा। फिर अंडरस्टैंड द कंपार्टमेंट मॉडल, तो इसमें आपका कंपार्टमेंट मॉडल को आप सिंपली सुपरफिशियली अंडरस्टैंड करना है, इसमें आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, ताकि कोई भी वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप आसानी से वहाँ पे देख सकते हो, चार ऑप्शंस में से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आप आसानी से वहाँ पे निकाल ले जाओगे, इसमें आपको ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपका बायोलेबिलिटी एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, तो इसमें आपका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। सिंगल डोज वर्सेस मल्टीपल डोज स्टडीज, तो इसको भी आपको पढ़ना है। फॉर्मूलाज फॉर मेजरमेंट ऑफ बायोलेबिलिटी, तो जितने भी फॉर्मूला वगैरह हैं उस मेजरमेंट ऑफ बायोलेबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको वहाँ पर ध्यान करना है। फिर इसके बाद एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मेथड, फिर IV-IVC थ्योरी जिसमें लेवल ए बी और सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे दो तीन बार आपके क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, तो ये थ्योरी भी आपको करनी है। फिर लास्ट में आपका बायोक्यूलेंस स्टडीज आपको पढ़नी है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी ये जो आपके आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोलेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, तो इन सबको पढ़ के अब आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, आप इतने साल से पढ़ रहे हो तो आपको खुद एक आइडिया है कि क्या चीज़ इंक्रीज़ करने से आपका बायोलेबिलिटी इफेक्ट होगी, किससे डिक्रीज होगी, किससे इंक्रीज होगी, तो ये सारी चीज़ आपको पता है। इन सब चीज़ों को आप स्किप करिए, उसकी जगह जो आपका नेक्स्ट बुक है फार्माकोलॉजी के बाद फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स के बाद आपका कुग्नोसी, कुग्नोसी के बाद ज्यूरिसप्रूडेंस, तो उस पर आप ध्यान दीजिए और आप 100% वहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं और कौन से आपको करने हैं। फिर दोस्तों आपका आता है डिज़ाइन ऑफ डोसेज रेजिमेंट्स, तो ये भी आपको करना है। फिर आपका लास्ट में आता है इंडिविजुअलाइजेशन। दोस्तों बात मानिए, जितने टॉपिक मैंने बताए हैं इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इसमें से ही आपके अगर वहाँ पे 35 क्वेश्चन आने हैं फार्मास्यूटिक्स से, तो आपको आराम से वहाँ पे 30 क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूँ कि इससे ही आने हैं। और मैं 5 क्वेश्चन के लिए मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको पूरे क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 50% पे आप वहाँ पे जीपैट में टॉपर रहोगे, ठीक है। तो आप इतना कुछ वहाँ पे स्किप कर सकते हो आराम से और क्वालिफाई होगे और स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपको अच्छा कॉलेज भी वहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों ये थे टॉपिक फार्मास्यूटिक्स से। अगर और किसी मतलब आपके कोई और सब्जेक्ट वगैरह है जिसमें आपको तकलीफ़ हो रही हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे पढ़ना है, तो बेफिक्र होके हमारे डूअर चैनल में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हम लोगों से। और दोस्तों बस एक चीज़ चाहिए कि ये जो हमारा वीडियो अगर आपको सही लगता है तो अपने ग्रुप में भी शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।